हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरटीआई में खुलासा, जनता को 69 रुपए में फ्यूल देने वाली मोदी सरकार दूसरे देशों को 34 रुपए में बेचती है पेट्रोल। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण केंद्र की मोदी सरकार देश भर में विरोध का सामना कर रही है। सरकार पर पेट्रोल डीजल पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाने का आरोप है। इसके बावजूद भी दाम घटते नहीं दिखाई दे रहे। पिछले कुछ महीनों से दाम लगातार ही बढ़ रहे हैं। शनिवार 25 अगस्त को पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 9 पैसे और डीजल की कीमतों में 8 पैसे की बढ़ोतरी की गई। अब एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि भारत की सरकार अपने देश के लोगों को जिस कीमत पर पेट्रोल डीजल दे रही है उससे आधी कीमत पर दूसरे देशों को बेच रही है। मोदी राज में भारत बना विश्व का वो चौथा देश जहां सबसे ज्यादा महंगा बेचा जा रहा पेट्रोल डीजल। ये खुलासा पंजाब के आरटीआई कार्यकर्ता रोहित सबरवाल ने किया। खुलासे में सामने आया कि केंद्र सरकार 34 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर 15 देशों को पेट्रोल और 37 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर 29 देशों को डीजल देती है। 1 जनवरी 2018 से 30 जून 2018 के बीच सरकार के स्वामित्व वाली मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के आरटीआई के जवाब के अनुसार उसने परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों को 5 देशों हांगकांग, मलेशिया, मॉरिशियस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात किया। बता दें कि ये बात सही है कि भारत खुद पेट्रोल और डीजल आयात दूसरे देशों से करता है, लेकिन रिफाइनरी होने की वजह से भारत खुद कई अन्य देशों को रिफाइन किया हुआ फ्यूल देता है। कम नहीं होंगे पेट्रोल डीजल के दाम, गडकरी बोले, अगर दाम कम किए तो विकास थम जाएगा। 34 और 37 रुपए प्रति लीटर पर पेट्रोल और डीजल दूसरे देशों को देने का अर्थ है कि सरकार को इसकी लागत इतनी ही पड़ती है और इस कीमत पर बेचकर सरकार थोड़ा बहुत मुनाफा भी कमाती होगी। लेकिन यही फ्यूल अपने ही देश में 69 और 82 रुपए तक बेचा गया। इससे ही इस पर लगने वाले टैक्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण मोदी सरकार पर उत्पादन शुल्क घटाने का दबाव बढ़ा। पिछले 4 सालों में मोदी सरकार 11 बार से ज्यादा पेट्रोल और डीजल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुकी है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम थे, लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पहले के मुकाबले बढ़े हैं तो सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ा रही। फिर से घटी मोदी सरकार की विकास की रफ्तार। इंडियन रेटिंग्स ने भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर 7.2% किया। केंद्र की मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था के हालात सुधारने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वतंत्र दिवस पर लाल किले से भाषण देते हुए ये दावा किया, लेकिन रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल गहरा गए हैं, इसलिए भारत की जीडीपी का अनुमान घटा दिया गया। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2018-19 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटा दिया। एजेंसी के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है, जबकि इससे पहले एजेंसी ने इसके 7.4% रहने का अनुमान जताया था। जीडीपी के मुकाबले में मनमोहन से पिछड़े मोदी यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल एनडीए पर भारी। एजेंसी ने इसकी प्रमुख वजह 2018-19 में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से मुद्रा स्फीति में बढ़ोतरी की संभावना होना बताया है। रेटिंग एजेंसी ने अपनी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मध्यावधि परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि बढ़ते व्यापार, संरक्षणवाद, रुपये में गिरावट और गैर निष्पादित अस्थियों में कमी आने के फिलहाल मजबूत संकेत नहीं दिख रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि इसी के चलते उसका अनुमान है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर इस दौरान 7.2% ही रहेगी। एजेंसी ने कहा कि 2018-19 में निजी अंतिम उपभोग व्यय 7.6% बढ़ेगा, जो कि 2017-18 में 6.6% बढ़ा था। मोदी राज में हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक टायर पर चल रही है, बाकी के 3 टायर पंचर हो चुके हैं, पी चिदम्बरम। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केवल सरकारी खर्च अकेले पूंजी व्यय चक्र को बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। 2012-17 से दौरान तक अर्थव्यवस्था के कुल पूंजी व्यय में उसका हिस्सा केवल 11.1% ही है। अगर यूपी में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ तो 2019 चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, चुनावी विश्लेषक। पिछले एक साल में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध सामने आया है और उपचुनावों में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, उसके बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता घटने के दावे किए जा रहे हैं। अब चुनावी विश्लेषकों ने भी इस बात को कहना शुरू कर दिया। वैश्विक अर्थशास्त्र और राजनीति पर व्यापक रूप से लिखने वाले अर्थशास्त्री और निवेशक रुचिर शर्मा ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनने की
संभावना घट गई। बता दें कि शर्मा 24 चुनाव को कवर कर चुके हैं। शर्मा के पास भारत में 24 चुनावों को कवर करने का अनुभव है। ये काम वो 1990 से कर रहे हैं। विश्व भर के समाचार पत्रों के लिए स्तंभकार के तौर पर लिखने वाले शर्मा ने पीटीआई को दिए खास साक्षात्कार में कहा कि 2019 में नरेंद्र मोदी ने फिर से चुने जाने की संभावना 99% से 50% पर आ गई। मायावती के बड़े ऐलान से भाजपा का सफाया तय। बोली सपा बसपा साथ मिलकर लड़ेंगी 2019 का चुनाव। उनका कहना है कि अलग अलग बटे विपक्ष के एक साथ आने से ऐसे संकेत बन रहे हैं। अपनी आने वाली किताब डेमोक्रेसी ऑन रोड के लिए काम कर रहे रुचिर शर्मा ने कहा कि 2014 में बीजेपी 31% वोट शेयर के साथ जीती थी क्योंकि विपक्ष बटा हुआ था, सीटों का शेयर असंगत था और वोट एक जगह केंद्रित थे। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश भारत का माइक्रोसोम्स बताते हुए रुचिर शर्मा ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच राज्य में गठबंधन होता है तो वो चुनाव में सूपड़ा साफ कर जीतेंगे, गठबंधन नहीं होता तो बीजेपी जीतेगी। शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भी जाति के आधार पर वोट दिया जाता है। एबीपी न्यूज सर्वे का दावा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की होगी बुरी हार, कांग्रेस को मिलेगी बड़ी जीत। शर्मा ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा कि हालांकि इसमें नाटकीय रूप से परिवर्तन आया है, अब ये चुनाव 50-50 रह गया और ये सब गठबंधन की संभावनाओं के कारण हुआ। पूरी तरह से बिखरे हुए विपक्ष के साथ आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। केरल के सीएम ने पीएम मोदी को घेरा, बोले यूएई से मदद पर खुद पीएम ने किया था ट्वीट। बाढ़ की भयंकर तबाही झेलने के बाद केरल अब गंदी राजनीति के दलदल में फंस गया। जैसे ही यूएई की एम्बेसी द्वारा ये बयान आया कि केरल बाढ़ में आर्थिक मदद के नाम पर कोई फिक्स अमाउंट नहीं तय की गई और राज्य को किसी तरह के डोनेशन की घोषणा नहीं की गई, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चौतरफा घिर गए। कहा जाने लगा कि केरल के मुख्यमंत्री ने झूठ फैलाया कि यूएई ने 700 करोड़ की मदद दी। इन आरोपों को खारिज करते ही केरल के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा, न सिर्फ मेरी बात हुई थी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूएई से मिलने वाली मदद के बाद को स्वीकारते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया था। केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यूएई ने बढ़ाया हाथ, कहा केरल का हमारी कामयाबी में बड़ा योगदान है। सबूत के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया ट्वीट भी केरल के सीएम ने प्रस्तुत किया, जो अभी भी नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देखा जा सकता है। 18 अगस्त को उन्होंने लिखा, मुश्किल की इस घड़ी में केरल को सपोर्ट करने के लिए शेख मोहम्मद को बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी ये चिंता जाहिर करती है कि किस तरह से भारत और यूएई की सरकारों और लोगों के आपसी रिश्ते मजबूत हैं। रिपोर्ट, गुड गवर्नेंस में केरल टॉप पर, भाजपा शासित राज्यों की सबसे बुरी स्थिति। इसी ट्वीट को आधार बनाते हुए केरल के मुख्यमंत्री ने कहा, यूएई की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद में कोई संदेह नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेखित किया था कि इस मदद के बारे में यूएई के प्रिंस और प्रधानमंत्री के बीच बात हुई थी। मुझे उम्मीद है कि केंद्र इस बात को स्वीकारेगा। जहां तक रही बात 700 करोड़ के आंकड़े की, तो मैंने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये सूचना वहां के बिजनेसमैन एमए यूसुफ अली के जरिए आई, जिन्होंने मुझे स्वयं बताया कि प्रिंस ने $100 मिलियन यानी 700 करोड़ के आसपास की राशि देने की बात प्रधानमंत्री से की है। इसके बाद भी मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इस सूचना को रिवील कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को बता सकते हैं। साथ ही पिनराई विजयन ने कहा, उम्मीद है कि सभी ने पीएम मोदी का ट्वीट देखा होगा। बीजेपी को रामलीला मैदान का नहीं बल्कि मोदी का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि अब उनके अपने नाम पर लोग वोट नहीं दे रहे। केजरीवाल, दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान का नाम अब बदलने जा रहा है। उत्तरी नगर निगम ने एक प्रस्ताव के तहत रामलीला मैदान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की बात कही। 30 अगस्त को निगम की बैठक है और बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है। उसके बाद रामलीला मैदान का नाम अटल रामलीला मैदान कर दिया जाएगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जिस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है, उसकी खूब आलोचना भी हो रही है, क्योंकि अटल खुद इस तरह की राजनीति से बचते थे। रामलीला मैदान का नाम बदले जाने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुटकी ली है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, रामलीला मैदान इत्यादि के नाम बदलकर अटल जी के नाम पर रखने से वोट नहीं मिलेंगे। भाजपा को प्रधानमंत्री जी का नाम बदल देना चाहिए, तब शायद कुछ वोट मिल जाए, क्योंकि अब उनके अपने नाम पर तो लोग वोट देंगे नहीं। बता दें कि 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो गया था, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने उनके नाम पर देश भर में अस्थि कलश यात्रा निकाली। बीजेपी ने कलश यात्रा को इवेंट बना दिया। इस यात्रा में खुद बीजेपी के मंत्री, बड़े नेता हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, जिससे सवाल खड़ा होता है कि
कि ये शोक यात्रा है या कोई इवेंट जिसमें हंसते हुए फोटो खिंचवाई जा रही है। की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।